नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत खुशी की बात है कि MGCI आपके लिए IMP क्वेश्चन सीरीज चला रहा है और उसी में यह पशुपालन की अंतिम IMP सीरीज रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे पशुपालन के वह चैप्टर जिसका नाम रहे पशु बीमारी अर्थात एनिमल डिसीज। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के हम IMP क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में यह हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे पशु बीमारी की। तो बीमारी शब्द से ही समझ में आता है कि पशु की जो सामान्य भौतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि सांस लेना, तापक्रम, जुगाली करना, ये सारी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, उसे हम कहते हैं बीमारी। ठीक है, ये तो जनरल सी परिभाषा होगी, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी, रिंडरपेस्ट, संक्रामक गर्भपात और दुग्ध ज्वर और अफरा इत्यादि रोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, क्योंकि ले देखे इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है एंथ्रेक्स, यह पशुओं का सबसे भयंकर या खतरनाक रोग है, या यूं कहे कि यह एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मानव जाति को भी लगता है, अर्थात इस रोग से मानव जाति को खतरा है और यह एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग के बारे में कहा जाता है कि इससे मरे हुए पशु के शव का कभी भी विच्छेदन नहीं करना चाहिए, मतलब उसका बाइसेक या बाइकॉट नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें तो इससे मरे हुए पशु के शव को चूने की लेप करके गड्ढे में दफन कर देना चाहिए। ठीक है, इतना खतरनाक है भैया। ठीक है, अब इतना खतरनाक है तो देखिए इससे क्या क्या प्रश्न आते हैं। देखिए भैया, पहला ही प्रश्न है, बहुत शानदार सा प्रश्न है। वो बोल रहा है कि पशु के नथुनों मतलब नाक से एकाएक झागदार खून निकलता, ब्लडिंग चालू हो जाती नाक से और उसका थक्का नहीं बन पाता। ये बीमारी है ऐसी जिसमें पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा खून निकलने लगता है और वह कभी भी ब्लॉटिंग नहीं हो पाता, मतलब उसका जो क्लॉटिंग नहीं हो पाता, उसका थक्का नहीं बन पाता है। अर्थात थक्का ना बनना, झागदार स्त्राव होना, कभी कभी वो खून के जगह काला कोलतार खून भी लिख देता भैया, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है नोज से और उसमें क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसमें धब्बा नहीं जमता है। तो ये केस का सिम्टम है, तो यह है एंथ्रेक्स का है। ठीक है, बाकी की डिजीज भी आगे आएगी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंथ्रेक्स होता है तो इसको क्या डेजर्ट फीवर कहते हैं या स्प्लेनिक फीवर कहते हैं, तो इसे पीलिया का ज्वर कहते हैं, मतलब इसमें पीलिया पर भी असर होता है, इसलिए इसको स्प्लेनिक फीवर भी कहते हैं। किसको भैया? एंथ्रेक्स को। और भी अन्य नाम है जैसे हमने क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यह पूछा हुआ प्रश्न है, पीलिया का ज्वर भी कहा जाता है स्प्लेनिक फीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स इज आल्सो कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर। देखिए भैया, बहुत आप दी अबो मत लगा देना है ना, जानबूझ कर दिया गया है। हाँ, इसके अलावा कोई और अन्य नाम दे दे, स्प्लेनिक फीवर दे दे और जो अन्य नाम है एंथ्रेक्स के वो अगर दे दे तो फिर हम जरूर लगा सकते हैं उपरोक्त सभी या बहुत, लेकिन मरुस्थल का ज्वर नहीं कहा जाता है एंथ्रेक्स को, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। एंथ्रेक्स बीमारी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि यह जीवाणु से होता है, एंथ्रेक्स कास्ट बाय तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया बोले या जीवाणु, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टीरिया या जीवाणु का मतलब एक ही है। ठीक है, अब बैक्टीरिया कौन सा है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस, देखिए उसके नाम में ये एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस, ऐसे याद रख लेना आसानी से। तो जो एंथ्रेक्स है वह जीवाणु से होता है। ठीक है बच्चों, तो एंथ्रेक्स से आने वाली कुछ बातें मैंने बताई। अब हमारे पास अगला है गलघोटू। गलघोटू में क्या होता है कि पशु का जो गर्दन वाला भाग होता है, गले के आसपास का, इस तरह से गर्दन वाला भाग हम मान ले, तो उसमें इस तरह से सूजन आने लगता है। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है, फिर इस सूजन के कारण जब वो सांस लेता है तो घुरघुर की आवाज आती है। यह प्रश्न भी आता है कि घुरघुर की आवाज आती है तो गलघोटू में आती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं किसके भैया? गलघोटू के, जिसे हम हेमरेजिया सेप्टिसिमा कहते हैं। जरूर याद रखना बच्चों, कभी कभी वो लिख देता ब्रैकेट में HS रोग का क्या मतलब है, तो HS का मतलब है हेमरेजिया सेप्टिसिमा, HS के नाम से भी इसको जाना जाता है। गो पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण है, मतलब किसके द्वारा होता है, तो हमें पता है ब्रुसेलोबार्टस से तो संक्रामक गर्भपात होगा, ये तो कोई ऐसा हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है चलिए, तो ब्रुसेलोबार्टस तो संक्रामक गर्भपात है, अब बचा क्या? पास्चुरेला बोविसेप्टिका।
पास्चुरेला बोईसेप्टिका, पास्चुरेला बुबेलीसेप्टिका, ये हमने पढ़ा है डिटेल में, पर यहाँ पर उसने गो पशु की बात की है इसलिए पास्चुरेला बोईसेप्टिका आएगा। अगर भैंस की बात करता तो उत्तर कुछ अलग होता बच्चों, लेकिन गाय की बात की है इसलिए पास्चुरेला बोईसेप्टिका आएगा। गलघोंटू बीमारी फैलती है तो गलघोंटू किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, क्योंकि पास्चुरेला बोईसेप्टिका एक प्रकार का जीवाणु है। और जब हम एनिमल डिसीज का विशेष वर्गीकरण करते तो अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग, तो वहाँ पर स्पेशल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हेमरेजिया सेप्टिसिमा है यह किसके द्वारा होता भैया? बैक्टीरिया के द्वारा पशुओं में फैलता है। चलिए अगला रोग है बहुत महत्वपूर्ण, FMD, खुरपका मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जिसे हम कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज में FMD में क्या होता है कि पशु के, ये मान लीजिए पैर है, ठीक है, तो ये जो वाला भाग है हुप क्लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्या होने लग जाते हैं? छाले पड़ने लगते हैं, ठीक। और ये छाले किस में बदल जाते हैं? बाद में घाव में। आपने देखा भी होगा पशु इसको अगर जीभ से चाटता है तो यहाँ पर बहुत ही ब्लडिंग जैसा हो जाता है, और कभी कभी ये सब देखा गया है कि यहाँ पर कीटाणु या जंतु भी पैदा हो जाते हैं, है ना। तो बार बार फिर पशु पैर जमीन पर ठोकता है, ये तो पैर के छालों में हो गया। अब पैर के छाले आए हैं तो इसके लिए उपचार भी होना चाहिए, तो हमने पढ़ा है इसके लिए पाद स्नान या पैर डुबकी या फुट बाथ कराया जाता है, है ना। 2% का कॉपर सल्फेट या नीला तूतिया का घोल भरा जाता है, ठीक, उस घोल में से सुबह शाम पशु को निकाला जाता है, ऐसा सब हमने पढ़ रखा है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पैर डुबकी पाद स्नान किस रोग से संबंधित है, तो आप बता देना खुरपका और मुंहपका, मतलब खुर भी पक जाते हैं और मुंह भी पक जाता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। फिर मुंह में छाले हो जाते हैं जिसके कारण पशु के मुंह से इस तरह से हम देखते हैं तो एक धागे नुमा लार गिरती है। कैसे नुमा? तो धागे नुमा लार गिरने लगती है, ठीक है, और चपचपाहट की आवाज भी आती है, ठीक है। धागे नुमा लार गिरती है किस रोग में? तो खुरपका मुंहपका में, और पशु के मुंह से चपचपाहट की आवाज आती है, और मुंह में ज्यादा छाले होने के कारण पशु कुछ भी खाना पीना नहीं कर पाएगा। और इससे बचने के लिए एक भाग शहद चार भाग सुहागा को मिलाकर, सॉरी एक भाग सुहागा चार भाग शहद को मिलाकर हमें उसके छालों पर क्या करना चाहिए? लेप कर देना चाहिए। तो ये इस तरह से पूछा जाता रहा भैया, ठीक है। पाद स्नान पैर डुबकी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इससे संबंधित है। निम्न में से किस बीमारी के लिए टीका नहीं है? अब ध्यान रखना, हम इसकी जरूर बात कर रहे हैं लेकिन ये प्रश्न है कि टीका नहीं लगाया जाता, तो याद रखना अफरा रोग के लिए टीका नहीं लगाया जाता। इसके बारे में हम और आगे डिटेल बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी टीका है, इसके लिए भी टीका है, इसके लिए भी टीका है, ठीक है, क्योंकि जिनके कारण निश्चित होते हैं, जिनके कारक निश्चित होते हैं, उनके लिए टीके जरूर बनते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए इस विश्व महामारी की हम बात करें तो इसके लिए भी वैक्सीन बन रहा है क्योंकि उसका कारक निश्चित है ना, COVID-19 निश्चित है उसका कारक, इसके लिए उसके भी वैक्सीन बनने की प्रोसेस चल रही। लेकिन अफरा रोग है, ये कई कारणों से हो सकता है, इसलिए इसका कोई टीका या वैक्सीन नहीं होता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया अफरा। चलिए खुरपका और मुंहपका रोग का कारक है। अब देखिए FMD की जब हम बात करें तो यह वायरल डिसीज है, विषाणु से फैलता है। फूट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो इट इज ए वायरल डिसीज, ये वायरस से फैलने वाला रोग है। कवक परजीवी बैक्टीरिया से नहीं, जीवाणु से नहीं, बल्कि ये किससे फैलता है बच्चों? वायरस से या विषाणु से फैलता है, याद रखना। खुरपका और मुंहपका जो है एक वायरल डिसीज है, वायरस से फैलता है। जैसे इसको जब भी लिखा जाता है आप देखोगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की बात करें हम तो खुरपका और मुंहपका हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर एक आएगा आपका पशु प्लेग, ये जनरली आपको इस तरह से दिखाएंगे, और जहां जहां आपको दो शब्द लगभग दिखेंगे मैक्सिमम यही दो पूछे जाते हैं आपको वायरस में, मैक्सिमम खुरपका और पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका पशु प्लेग, FMD और रेंडरपेस्ट, तो ये दोनों में आप देखेंगे हमेशा इस तरह से लिखा रहता है, और जब भी ये दिख जाए समझ जाना वायरस। ये कोई ट्रिक नहीं है, जनरली आप इसको याद रख सकते हैं, एक माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं बच्चों। अगला है रेंडर पेस्ट, पोका पोकनी। पशु प्लेग बीमारी पशु शरीर का तापक्रम होता है, ठीक है, जो कैटल सफरिंग फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम एनिमल प्लग सो टेम्परेचर, मतलब जब पशु प्लेग
से गुजर रहा है तो उस अवस्था में या उस दौरान उसके शरीर का तापक्रम कितना हो जाता है, तो जनरली ये रहता है भैया 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फ़ारेनहाइट की हम बात करेंगे तो यह तकरीबन 105-108 के बीच में कुछ रेंज में रहेगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो 40-42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लास्ट ईयर पूछा हुआ एग्जाम है। मवेशियों में रिंडरपेस्ट रोग के क्या लक्षण होते हैं, मतलब क्या लक्षण दिखाई देंगे? शूटिंग डायरिया का मतलब है, डायरिया तो आपने सुना होगा, बहुत साधारण से शब्द है, गाँव में बच्चों को डायरिया हो जाता है, मतलब बार बार दस्त करते हैं। शूटिंग का मतलब है तीव्र गति से या उनको पिचकारी जैसा, है ना, शूटिंग, ये नहीं कि शूटिंग चल रही, शूटिंग का मतलब है कि पिचकारी जैसे दस्त चलने लगते, बच्चों को बार बार दस्त होते हैं, उसी प्रकार से इसको शूटिंग डायरिया कहा है। लाल स्त्रावण होता है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डंक का बाहर निकलता है, इसलिए रेक्टम या मलाशय से लाल हो जाता है और ब्लड आने लगता है, तो लाल स्त्राव भी होता है। और मुख की श्लेष्मक झिल्ली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जब भी बोलता है पशु के मुंह की श्लेष्मक झिल्ली लाल हो गई, तो जैसे मुंह बोला तो खुरपका मुंह पका लगा दे, नहीं, श्लेष्मक झिल्ली अगर लाल हो रही है तो याद रखना है बच्चों, श्लेष्मक झिल्ली जो लाल होती है वो रेंडर पेस्ट में होती है, खुरपका मुंह पका में नहीं होती। और कंफ्यूज करने के लिए वो निश्चित तौर पर ऑप्शन में देता और पहला ही मनपसंद ऑप्शन देगी, इसलिए ध्यान रखना है जब भी बात होगी श्लेष्मक झिल्ली, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की उत्तक छाले या उभार, तो हम क्या सोचते हैं छाले और उभार मुंह में हो रहे हैं, तो खुरपका मुंह पका नहीं लगाना है। जब वो श्लेष्मक झिल्ली बोल रहा है तो हमें याद करना है कि वह मवेशियों के रेंडर पेस्ट मतलब पशु प्लेग की बात कर रहा भैया, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये सारे के सारे सिम्टम जो हमें दिख रहे हैं ये रेंडर पेस्ट पशु प्लेग के, पिचकारीदार दस्त बोल दे, रक्त के साथ खून युक्त डंग का बाहर आना, गोबर का बाहर आना, श्लेष्मक झिल्ली का लाल होना, ये सारे जो लक्षण हमने देखे हैं वो रेंडर पेस्ट के हैं। अगला रोग है ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी, जिसे हम BQ कहते हैं। ब्लैक क्वार्टर को BQ कहा जाता है, BQ के नाम से बहुत फेमस है लंगड़ी में। चलिए लंगड़ी की हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, पुट्ठे जांग और कंधे पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। द स्वाइलिंग और हिप थाई एंड शोल्डर इज ए सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पुट्ठे जांग और कंधों पर सूजन, या कभी कभी वो लिख देता है कि पशु के कंधों पर दर्द भरी सूजन किस रोग का लक्षण है, पशु के कंधों पर दर्द भरी सूजन किस रोग का लक्षण है, तो ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी रोग। अब भैया लंगड़ी क्यों बोला गया है, क्योंकि पशु के कंधे में दर्द हो रहा है तो लंगड़ा कर चलेगा, इसीलिए उसका नाम हो गया लंगड़ी रोग, ठीक है। चलिए तो अब भैया आप लंगड़ी याद करके बैठ गए और लंगड़ी आपकी टंगड़ी तोड़ देगा एग्जाम में, क्यों? क्योंकि आपको ब्लैक क्वार्टर याद नहीं रहा, तो इसलिए आपको मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी शब्द जरूर याद होना चाहिए, जैसे कि एनिमल एनाटॉमी और एनिमल डिजीज, इसमें बहुत कॉमन चीजें हैं, इसलिए बेटा आई अगेन रिपीट, आपको अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को भी समय समय पर देखते रहना है, याद करना है, ताकि आपको कम से कम 5+ क्वेश्चन हो जाएंगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखें। अब आप लंगड़ी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा भैया, तो आप तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जिसको पता है कि लंगड़ी को BQ या ब्लैक क्वार्टर कहते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यही इसका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अंग्रेजी किस तरह से मदद कर रही है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर की बात करें तो एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें पशु शरीर का तापक्रम बढ़ने के बजाय घट जाता है, ठीक है, अपवाद है, और कितना हो जाता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब इससे जो अच्छा प्रश्न आया था, बहुत शानदार प्रश्न था, और उसी एक प्रश्न में सारी बातें अपन कवर करेंगे। आइए देखिए, बहुत बड़ा सा प्रश्न दिया लेकिन उसमें पूरा दुग्ध ज्वर कवर कर दिया उसने, पूछने वाले ने पूरा पूछ डाला है। आओ अपन भी देखते हैं, ऐसी चयापचन अवस्था या अस्वस्थता की दशा स्तनपान के प्रारंभ में ही दूध में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का निष्कासन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो हम उसका दूध निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम खीस पवेसी तैली या कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब वो कोलेस्ट्रम अगर हमने एक बार में पूरा बाहर निकाल दिया
इसलिए सजा दी जाती है कि एक बार में बाहर नहीं निकालना, क्योंकि उसमें पूरा आयन का जो 4-5 महीने या 2-3 महीने से आपने सुखाई काल रखा था, कुछ जगह पर तो बहुत लंबा सुखाई काल होता है, लेकिन आदर्श हम बात करें तो 2-2.5 माह का होता है, 60 से 80 दिन के अंदर। तो अलग अलग गाय के लिए अलग अलग परिस्थिति में सुखाई काल अलग होता है। जैसे कि प्रश्न भी आए हैं वो आपने पढ़े, और नहीं पढ़े तो पशु देखरेख प्रबंधन में आप जरूर देखिए उनको, वहां पर लिखा है स्पष्ट सबके लिए अलग अलग ड्राई पीरियड सुखाई काल लिखा है। पर आपने दूध लेना बंद कर दिया, बाद में वो दूध उसके आयन में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, अब सारे आयन में दूध आ रहा है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सारे खनिज तत्व भी भरपूर मात्रा में, और आपने उसी दूध को पूरा एक साथ बाहर निकाल दिया, तो उसके शरीर में क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम और अन्य तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसको बुखार आता है, और बुखार आने के बाद उसका टेम्परेचर अचानक एकाएक घटने लगता है, और पशु गर्दन को एक और करवट लगाकर शांत से बैठ जाता है। ठीक, तो इसलिए कभी भी खीस को या कोलेस्ट्रम को एक बार में बाहर नहीं निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके फलस्वरूप उसके रक्त का स्तर घट जाता है, और रक्त का स्तर घट जाता है, अब हम सीधी सी बात करें तो ये प्रसव के दौरान होने वाला या प्रसव के तुरंत बाद होने वाला रोग है, इसको मिल्क फीवर कहते हैं हम। ठीक है, दुग्ध ज्वर भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर कह सकते भैया, जी ची घी का बुखार, अब ये दूध से संबंधित है इसलिए इसको जी ची घी का बुखार कहा, क्योंकि बुखार तो आएगा है ना, बुखार आएगा, टेम्परेचर जरूर कम होता है, लेकिन पहले बढ़ता है फिर कम होता है, समझ जाए आपको। ठीक है, फिर हाइपोकैल्सिमिया, मतलब कैल्शियम का जो लेवल होता है वो क्या होता है, पूरे बॉडी से घट जाता है, तो क्या हाइपोकैल्सिमिया भी हो सकता है, लेकिन अब मैग्नीशियम भी दिया है सर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आ जाए तो फिर क्या लगाएंगे, कैल्शियम, समझ गए। अगर प्रश्न सिंपल सा आ जाए कि दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है, तो हमें कैल्शियम लगाना है। ठीक, मैग्नीशियम भी दिया है और कैल्शियम भी दिया है, तो किस एक को लगाना है, तो कैल्शियम। ठीक है बच्चों, विटामिन डी भी दिया है, कैल्शियम भी दिया है, मैग्नीशियम और उपरोक्त सभी, तो फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा, वो प्रश्न स्पष्ट पूछा जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है भैया, तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें तापक्रम घट जाता है, इसे जी ची घी का बुखार भी हम कहते हैं। फिर मिल्क फीवर अंग्रेजी में कहा जाता है, हाइपोकैल्शियमिया मतलब कैल्शियम के कारण कहा जा रहा है, तो ये कुछ कारण है, और इसी कारणों से ये बीमारी बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में आती है, तो ये सारी चीज़ें हमने उससे संबंधित देखी है, दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर। यह भी बहुत पूछा जा रहा है, ब्रुसेलोसिस, संक्रामक गर्भपात, देखो भैया कभी कभी वो संक्रामक गर्भपात ना लिखकर क्या लिख देता है, ब्रुसेलोसिस ये लिख देता है। ठीक है, ब्रुसेलोसिस, निम्न में से किस बीमारी में गाभिन गौ पशु के 6 से 7 माह बाद, ये याद रखना, हो सकता है इस वर्ष माह पूछ ले कि कितने माह के बाद संक्रामक गर्भपात होने की संभावना ज्यादा होती है, तो 6 से 7 माह। गिल्टी रोग बिल्कुल नहीं आएगा, लंगड़ी रोग बिल्कुल नहीं आएगा, थनेला बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि संक्रामक गर्भपात को ब्रुसेलोसिस कहा जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी का महत्व देखिए आप लोग, अगर आपको अंग्रेजी पता था, जिन बच्चों को, वो आराम से इसका उत्तर ढूंढ सकते थे। तो संक्रामक गर्भपात मतलब गर्भ का गिर जाना, अर्थात गर्भ में जो भ्रूण है वो बाहर आ जाता है, और ऐसा हो जाता है 6 से 7 माह की अवस्था में, किसके कारण, संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस के कारण। ठीक है बच्चों, तो संक्रामक गर्भपात ब्रुसेलोसिस के कारण होता है, ये भी याद रखना है, 6 से 7 माह की अवस्था में होता है, ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए, और इसमें क्या है, संक्रामक क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जिस डेयरी फार्म पर संक्रामक गर्भपात की समस्या पाई जाती है, साधारणतः वहां पर यह पशुओं में समस्या फिर लगातार बनी रहती है, इसलिए संक्रामक गर्भपात वाले पशु का अगर एक बार पता लग जाए तो उसे डेयरी फार्म से तुरंत अलग कर देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, गर्भधारण के 7 से 8 माह के अंतर्गत गर्भपात होना पूर्णतः गर्भपात, जेर नाल फंसे रहना आदि के संकेत है। ठीक है, तो वही बात है, कुल मिलाकर गर्भ के बाहर आने की बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर बात करें तो ब्रुसेलोसिस तो हो गई होगा, इसी को बेंग रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को स्पर्श से फैलने वाला, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको स्पर्श से फैलने वाला भी कहा गया है, तो ब्रुसेलोसिस आएगा, बेंग रोग इसी को कहा जाता है, स्पर्श से फैलने वाला भी कहा जाता है। अब आपको भले ही इसके बारे में एग्जाम में जब आया था उस समय बेंग रोग की जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको ये तो पता था कि ब्रुसेलोसिस को संक्रामक गर्भपात फैलने वाला भी कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते थे, जब दोनों सही है तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा भैया, भले ही इसकी जानकारी नहीं थी आपको बेंग रोग की, लेकिन इसको बेंग रोग भी कहते हैं, ये भी अब क्लियर हो गया,
तो बैंग रोग बोले, ब्रुसेलोसिस बोले, संक्रामक गर्भपात बोले, 6 से 7 माह बोले, तो आपको संक्रामक गर्भपात के बारे में याद रखना है। चलिए, थनेला मेस्टाइटिस, थनेले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता बच्चों। स्ट्रिप कप परीक्षण, स्ट्रिप कप परीक्षण। अब स्ट्रिप कप परीक्षण क्या होता है, ठीक है, स्ट्रिप कप परीक्षण में, ठीक है, एक तरह से होता है, इसमें 4 बॉक्स रहते हैं, इन 4 बॉक्स में चारों थन से दूध लिया जाता है और फिर इनका टेस्ट किया जाता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में इपिथीलियम के लक्षण दिखाई देंगे वह थन थनेला से ग्रसित होता है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपने कोई प्रयोग व्रयोग कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में किया जाता है, तो दैट कॉल मेस्टाइटिस या थनेला में किया जाता है। पैर डुबकी FMD में, स्ट्रिप कप परीक्षण मेस्टाइटिस में, कुछ सिम ये है याद रखना भैया, ठीक है। मिथाइल ब्लू परीक्षण, एस्कोली परीक्षण, एंथ्रेक्स में, ये कुछ टेस्ट है जिन्हें हमें याद रखना है। थनेला रोग से ग्रसित दूध में सामान्य रूप से पाए जाने वाला जीवाणु है, तो थनेला रोग से जो ग्रसित होता है उसमें सामान्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस पाया जाता है, याद रखना। विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड मिल्क ऑफ मेस्टाइटिस डिसीज? स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए, थनेला रोग में पशु का कौन सा अंग प्रभावित होगा? श्वास नाल होगी क्या, आहार नाल होगी क्या, दुग्ध ग्रंथियां, चर्म ग्रंथियां? तो भैया दुग्ध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स ही तो प्रभावित होगी ना। थनेला में कौन सा मिल्च एनिमल में होगा, पहली चीज तो ये भी याद रखना, और ये मादा पशुओं में होगा ये भी याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में हो भी सकता दे दे गो पशु, है ना, सांड, भैंस, इस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखना दुधारू पशु, सूखे पशु, सूखे पशुओं में भी होता है जिसको समर मेस्टाइटिस कहते हैं, तो उसका कारक अलग है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोरोपायोजिनस जो लिखा है सूखे के लिए, तो ये घुमा फिरा के पूछा भी जा सकता है कि थनेला रोग साधारणतः किन में होता है, गो पशुओं में, गोवंशीय बेलों में, दुधारू पशुओं में, ठीक है। इस तरह से घुमा के दे तो फिर हमें लगाना दुधारू पशु, क्यों? क्योंकि मिल्च ब्रीड में या मिल्च एनिमल में इसके होने की ज़्यादा संभावना है, समझ गए। गो पशुओं में लिखे तो भी सही है, लेकिन जब वो दुधारू शब्द लगा देगा तो फिर हमें उसके साथ जाना पड़ेगा, इसलिए उत्तर फिर दुधारू होगा और दुग्ध ग्रंथियों में होगा, बाकी कोई अंग इससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नाभि इबिल या नाभि ज्वर की हम बात करें, तो बछड़े में जो इस तरह से नाभि पट्ट होता है वहां पर ये देखने को मिलता है कि एक फोड़े जैसी संरचना हो जाती है और ये लाल सख्त हो जाता, सुर्ख हो जाता, लाल सुर्ख। इन जनरली गाँव में इसमें गर्म लोहे की रॉड से छेद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। वेटनरी डॉक्टर की सहायता से इसका चीरफाड़ करना चाहिए, जब ये पक जाए फिर इसमें टिंचर, आयोडीन वगैरह का घोल भरते हैं, ठीक है भैया। तो इस तरह से नाभि उसकी फूल जाती है नवजात बछड़े की, और इसके कारण उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती है और उसके घुटनों में सूजन आ जाता है। तो आइए, क्या संबंधित प्रश्न हमारे लिए आया है? नाभि उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, जैसे कि मैंने बताया आपको, नाभि उपचार के लिए क्लोरीन, बोरिक पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सभी पाउडर अच्छे हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा जो उपयोगी होगा होगा टिंचर आयोडीन, ठीक है। टिंचर आयोडीन उपयोग किया जाता है भैया नेवल ट्रीटमेंट में नाभि रोग में, ठीक है, बछड़े का बहुत फेमस रोग है। अफ्रा या टिम्पनी की बात करें, तो अफ्रा या टिम्पनी में क्या होता है कि पशु का जो रुमेन होता है, उस रुमेन की अगर हम बात करें तो उसमें गैसें भर जाती है, क्या भर जाती है, गैसें भर जाती है, और उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग हो गया, गैसें भर गए भाई, ठीक है, है ना, बहुत सारे कारण हो सकता है। अब इसको आप हाथ से डम बजाएंगे तो डम डम की आवाज़ आएगी, ढोलक की थाप के जैसे बजता है, ये भी सब पूछा हुआ प्रश्न है कि ढोलक की थाप के जैसा होता है, तो अफरा रोग में। अब ये गैस भर गया, ब्लोटिंग हो गया, तो इन जनरली हम देखते हैं गाँव में तेल पिला दिया, कुछ लोग सेव खिला देते हैं, क्योंकि तेल को पिलाने से गैस को कम किया जाता है, ऐसा उनका धारणा है। लेकिन कभी ज़्यादा गंभीर मात्रा में हो गया है ये रोग, तो फिर इसके लिए एक यंत्र आता है जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, ट्रोकर व कैनुला। तो ट्रोकर और कैनुला की सहायता से इस गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रोकर नुकीला होता है, याद रखना, ये नुकीला होता है, ठीक है, सुई की तरह होता है, इससे छेद करके उसके ऊपर कैनुला रख देते हैं और इस तरह से बॉडी से गैस को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। किस रोग में? अफरा या टिम्पेनी, ठीक है बच्चों। और इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
इसलिए स्पेशल कोई इसका कारक नहीं है। इसके कारक होने के लिए या तो पशु ने बहुत ज़्यादा मात्रा में आधा दलहनी चारा खा लिया, या गलती से दाना ज़्यादा खा लिया, या पशु ने कुछ और अन्य चीज़ ऐसी खा ली जिससे गैस बन गया तो वो फूल जाएगा। तो ये सारी बात होगी भैया अफ्राया टिम्पेनी में। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पशुपालन में आपको IMP क्वेश्चन सीरीज के सभी चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप, उम्मीद और आशा करता है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक रही होगी, और निश्चित तौर पर आने वाली एग्ज़ाम में MPPAT 2020 में आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।